नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सीटों के उम्मीदवारों का नाम भी स्पष्ट होता जा रहा है। बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के गढ़ मैनपुरी और गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली सहित उत्तर प्रदेश के उन सभी 14 लोकसभा सीटों को भी जीतने की विशेष तैयारी कर रही है, जिस पर वर्तमान में विपक्षी दलों का कब्जा है। मैनपुरी से अखिलेश यादव ने फिर से अपनी पत्नी डिंपल यादव को ही उम्मीदवार बनाया है। वहीं रायबरेली, जहां से वर्तमान में सोनिया गांधी सांसद हैं, के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार वहां से सोनिया गांधी की बजाय प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। आपको बता दें कि साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 49.98% मत के साथ 62 सीटों और उसके सहयोगी अपना दल एस को 1.21% मत के साथ 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। पिछले चुनाव में बीजेपी ने गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले अमेठी में राहुल गांधी तक को हरा दिया था। बाद में बीजेपी ने लोकसभा उपचुनाव में सपा के 2 और गढ़ आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट सपा से छीन ली, लेकिन उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें अभी भी विपक्षी दलों के कब्जे में है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 17 से 18 फरवरी को होने वाले बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक के बाद पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें मैनपुरी और रायबरेली सहित उत्तर प्रदेश में विपक्षी कब्जे वाली सभी 14 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन सभी 14 सीटों के लिए कद्दावर और लोकप्रिय चेहरों को चुना जा रहा है। सपा और बसपा के कई नेताओं को तोड़कर पार्टी इन सीटों से उम्मीदवार बना सकती है। वहीं पार्टी इन पर एक बड़े फिल्मी सितारे को उतारने की तैयारी कर रही है, ताकि विपक्षी दिग्गज नेताओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर पार्टी के पक्ष में एक माहौल बनाया जा सके। एक नेता को जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल में शामिल कराकर उन्हें NDA गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। आपको याद दिला दें कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में इस बार राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।